My work evolved around the concept of reality, how elusive and enigmatic it is. It is about perspectives and dimensions of a reality and the shift of it. जब एक reality से दूसरी reality में shift होता है, जो uncertainty उस time की है, उसके बारे में है काम मेरा. And I'm just trying to capture that movement in my drawings, which are basically and mostly art and graphite. And initially my references were from architectural spaces, but they kept changing, or different references rahe, including grids. So this is my work is about. मेरा काम बेसिकली डिसअपीयरेंस डिसीज्ड रिमेंस इन चीज़ों पे है. तो मैंने इस बॉडी ऑफ वर्क को जो है एक एज अ विजुअल लैंग्वेज के तौर पर जो है मैंने इसके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है. तो बेसिकली मैं करता ये हूँ कि दो कपड़ों के बीच जो है वो बुकरम सैंडविच करता हूँ. तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन आती है, इम्प्रेशन आती है, तो उसको स्त्री के थ्रू जो है मैं ब्रॉस्ट और बर्न करता हूँ. ये इस तरह मैंने अपने काम में डोमेस्टिक सीन्स को सोशल एनवायरनमेंट के जरिए दिखाने की कोशिश की है, और इसमें जो सोशल लाइफ का डोमेस्टिक लाइफ पर असर पड़ा है कुछ उनको दिखाया गया है. डोमेस्टिक से यहाँ पर इंडोर और सोशल से यहाँ पर आउटडोर की बात हो रही है, और इन दोनों को मिक्सअप करके काम दिखाया गया है. अगर मीडियम के बारे में बात की जाए तो बिटुमन शीट पर पोस्टर कलर्स और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स यूज किए गए हैं, और काम के अंदर हिडन मैसेजेस हैं जो सोशल लाइफ का असर पड़ा है काम पर. और इसके अलावा जो है सिम्बोलिज्म में भी ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी बात की गई है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहे हैं, जैसे डॉल के जरिए चाइल्डहुड को और कार के जरिए स्पीड को, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को शो किया गया है. तो बेसिकली मैंने अपने इस काम के जरिए एक अपनी लाइफ की जर्नी को दिखाने की कोशिश की है. My work is about this freehand repetitive pattern, and initially it started as a doodle and I used to do it on sketchbooks, and then it took position on the bigger walls in the studios, and I was looking at how it changes the space, and I found that one of its constituent is infinity, and I was like not really interested in infinity, but I was interested in using this freehand pattern as my visual language. And when it came onto the canvas, it totally changed the identity of the image or space. I incorporate this freehand pattern in, and I was mainly looking at the post-colonial buildings and spaces and objects I am always surrounded by. And I incorporated this pattern into them, and then I forgot what the object or space was, and I moved my hand according to how my pattern guided me. So this is mainly about how I'm not using any compasses or tools to achieve this symmetry, and using my free hand error to create a glitch
that I think is in his, in the history we are living in. मैं जो मेल टू मेल हायरार्की है हमारी सोसाइटी में और जो नॉर्म्स हमारी सोसाइटी ने तय किए हैं, मैं उन पर कमेंट कर रहा हूँ कि जो मोस्टली बड़ा है एज में वो हमेशा सिर्फ अपना बड़ा होने की वजह से पूरी जिंदगी डोमिनेट करता है, ना कि अपनी एबिलिटीज की वजह से। इवन उसका बड़ा होने में उसका अपना कोई कमाल नहीं है। और ये नॉर्म्स जो हैं ये सोसाइटी ने तय किए हैं, ना कि रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में गॉड ने ऐसे कुछ भी नॉर्म्स तय नहीं किए हुए। अगर कोई है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे बड़ा हो सकता है। तो मैं बेसिकली इस पे कमेंट कर रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी ने तय किए हैं इस पे मुझे एतराज कह सकते हैं।